रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो क्लीनिंग वीडियो तो आपने मेरे बहुत बार देखे होंगे, क्योंकि मैं काफी बार आप सबके साथ में अपने क्लीनिंग वीडियो शेयर करती हूँ, जो कि आप सबको काफी पसंद आते हैं। लेकिन पहली बार मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग बास्केट और क्लीनिंग के टूल्स। तो क्या क्या चीजें मैं यूज करती हूँ क्लीनिंग के लिए और कौन कौन सी चीजों से मैं क्लीन करती हूँ, वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपके लिए शेयर करूंगी 2 मिनट नो कुक सैलेड, जो कि आप इंस्टेंटली, अगर आपको छोटी मोटी सी भूख है तो आप बना करके घर पर के खा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि वो फ्लेमलेस है। तो सैलेड जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। मैं अपना वर्जन और बहुत जल्दी झटपट वाला शेयर कर रही हूँ, जो कि हम लंच के साथ में या वैसे भी कभी भी खा सकते हैं। तो एक तो मैं वो शेयर करूंगी आपके साथ में। दूसरी चीज ये कि क्लीनिंग बास्केट के लिए एक्चुअली मेरे थोड़े सा घर में जगह मैंने थोड़ी सी कम रखी है क्लीनिंग बास्केट की, तो मैं एक ही जगह रखती हूँ मोस्टली प्रोडक्ट। वैसे जो है काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे बाथरूम रिलेटेड क्लीनिंग की जो सामान है वो बाथरूम में रखती हूँ, जो लॉन्ड्री क्लीनिंग है, जो लॉन्ड्री के सामान होते हैं वो लॉन्ड्री एरिया में रखती हूँ, और घर की क्लीनिंग या किचन की क्लीनिंग का जो सामान होता है वो सभी मैं एक बास्केट में रख करके किचन के अंदर ही रखती हूँ, जिससे कि मुझे इजी टू एक्सेस हो और मैं उस चीज का मतलब डेली रूटीन में यूज कर सकूं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग चीजों की क्लीनिंग के लिए, जिससे कि प्रॉपर क्लीनिंग हम कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो क्या क्या टूल्स हैं और क्या क्या प्रोडक्ट हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ एक ऐसा सैलेड जो कि 2 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है कि नो फ्लेम है और छोटी मोटी भूख में आप इसको बना करके खा सकते हैं। हेल्दी है और बहुत ही आसान है। तो इसके लिए मैंने लिया है क्यूकम्बर, और मैंने लिया है अनियन, चेरी टमाटो, थोड़ा सा धनिया लिया है, और आप चाहें तो इसमें बॉयल्ड पोटैटो या फिर पनीर या फिर चुकंदर और अपनी मनपसंद वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, कैरेट वगैरह जो भी आपको पसंद है। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने खीरे के स्लाइस कर लिए हैं लंबे, चेरी टमाटो को 4 हिस्सों में काट लिया है, और जो अनियन है उसको मैंने क्या किया है 4 पीस कट किए हैं, और उसके बाद में उसके जो छिलके होते हैं वो मतलब अलग अलग कर लिए हैं, यानी कि एक एक स्लाइस जो है वो अलग अलग कर ली है, और इन सभी को मैंने एक साथ कर लिया है एक बाउल में। उसके बाद में मैंने मिलाया है इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, जो कि भुना जीरा पाउडर है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पर यूज़ किया है, डाला है लगभग 1/2 चम्मच के करीबन। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक पेपर पाउडर और भुना जीरा पाउडर डालने के बाद में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है थोड़ा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो काला नमक डालने के बाद में डाला है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद में आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको भुना जीरा पाउडर का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये सब डालने के बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्वीट अनियन सॉस। स्वीट अनियन सॉस में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्वीट अनियन सॉस अगर आप इसमें डालेंगे बहुत टेस्टी लगेगी। और इसके बाद में मैंने इसके ऊपर डाला है धनिया पत्ता, और एक चीज़ मेरे पास जो यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल नहीं थी वो था गार्लिक पाउडर। तो अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो इसमें लगभग 1/2 चम्मच गार्लिक पाउडर भी ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन ऐसे भी ये उतना ही मज़ेदार लगेगा। और इसको अच्छे से मिक्स करके दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, और तैयार हो गया हमारा 2 मिनट में नो फ्लेम सैलेड, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज़्यादा इजी भी है बनाना। मैंने यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल का यूज़ किया है, आप चाहें तो मल्टीग्रेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। चाहें तो इसमें स्प्राउट्स यूज़ कर सकते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि 2 चम्मच डाला है, और डाला है 1/2 नींबू। तो 1/2 नींबू डालने के बाद में
और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ऊपर से मैंने इसको शिफ्ट कर दिया दूसरे बाउल में। तो इसको आप हल्की फुल्की भूख में ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर आप जैसे अभी कोविड के बाद में मैं कर रही हूँ, मैं सैलेड ज़रूर खाती हूँ, तो मैं इस तरीके से बना करके खाती हूँ। तो अब इसके बाद में बारी आई मेरे क्लीनिंग टूल्स की। तो सबसे पहले आपके साथ में क्लीनिंग टूल शेयर कर रही हूँ, जिसमें ये है पहला जाले साफ करने वाला ब्रश। तो ये जहाँ पर बहुत हाइट पर होता है हमारा लिंटर जिसको बोलते हैं, तो वो इससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ब्रश से। और ये जो दूसरा माइक्रोफाइबर वाला आप ब्रश देख रहे हैं, इससे वॉल को क्लीन करने के काम में आता है। जैसे दीवारें होती हैं तो उसके ऊपर भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जम जाती है, तो इसकी हेल्प से हम अपनी दीवारों को घर की अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और बिल्कुल सूखे ही मैं इसको क्लीन करती हूँ तो आसानी से हो जाता है। इसके बाद में ये जो नेक्स्ट ब्रश है ब्लू कलर का, वो आप देख रहे हैं मेरे पास एक ये ऑरेंज कलर का भी ब्रश था, ये टूट गया इसका हैंडल, लेकिन मैं इसको अभी भी यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों ब्रश मेरे सोफ़ा को क्लीन करने के काम में आते हैं। सोफ़े के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जो कि हम कपड़े से साफ़ करते हैं तो नहीं हो पाती है, लेकिन इन ब्रश की हेल्प से इजीली हो जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इन पेंट ब्रश की। तो पेंट ब्रश भी आप देख सकते हैं मेरे पास ये काफ़ी पुराने पुराने ब्रश हैं और टूट भी रखे हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो इन ब्रश की हेल्प से आप जब भी जो मेन डोर होते जो डोर्स होते हैं, डोर के साथ में हमारे जाली वाले दरवाजे भी होते हैं, उनको क्लीन करने के बड़े काम में आते हैं। अब आइए छोटे छोटे ब्रश। तो ये जैसे बॉटल्स हो गई, कोई जार हो गए हैं किचन के, या फिर छोटे छोटे सेरामिक वो होते ना बर्तन, तो उनको क्लीन करने के बहुत आसानी से काम में आते हैं। अब ये जो लंबा ब्रश आप देख रहे हैं, ये सिंक का ड्रेनेज जो होल होते ना सिंक के अंदर, उसको क्लीन करने के काम में आता है। अब एक ये बड़ा ब्रश है, ये तो आपको पता ही है जैसे बॉटल वगैरह क्लीन करने के काम में आते हैं। इसके बाद में ये सभी ब्रश, जो तीन ब्रश आप ब्लैक कलर के देख रहे हैं, ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किए थे। और ये सभी ब्रश जो हैं, आप जैसे कि सिंक एरिया के पास में कई बार हार्ड वाटर स्टेन जम जाते हैं, या गैस के जो बर्नर होते हैं उनको क्लीन करना है, उससे बड़े काम में आते हैं। इसके बाद में आते हैं ये वाइप्स। तो वाइप्स को यूज़ करने के लिए आप किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप मिरर के ऊपर ग्लास के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के वाइप्स जो होते हैं वो मैं इस घर में रखती हूँ, और बाकी डेली रूटीन की क्लीनिंग के लिए मैं इस तरह के क्लोथ का यूज़ करती हूँ, या फिर घर में कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा होता है मैं उसी से सफाई करती हूँ। उससे बहुत अच्छी से सफाई हो जाती है और पुराने कपड़े भी रीयूज़ हो जाते हैं। अब बारी आई मेरे क्लीनिंग टूल्स की। तो देखिए बहुत सारे क्लीनिंग टूल्स होते हैं, बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं जो कि मैं आपने अलग अलग जगह पर रखती हूँ, लेकिन ये जो किचन में रखे हुए थे मैं आपको सारे ही दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले है कॉकरोचेस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको यूज़ करके देखें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हिट का। ये एंटी रॉच जेल है। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सारे प्रोडक्ट जो है वो मेरी अपनी परचेजिंग है, मैं इनको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद में आता है हिट का ही एक चॉक आता है, जो कि आप चींटियों पर छोटे छोटे कॉकरोचेज जो होते हैं कॉर्नर में उनके ऊपर लगा सकते हैं जब कम होते हैं तो। इसके बाद में ये है मेरा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, ये बहुत काम में आता है। किचन का काउंटर टॉप क्लीन करना है, किचन की सिंक क्लीन करनी है, जो ड्रेनेज सिस्टम होता है ना वो बहुत गंदा हो जाता है कई बारी, तो इसके अंदर विनेगर मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आया ये मेरा DIY क्लीनर। इसको तो मैं रेगुलर बेस पर अपने जो क्लीनिंग बास्केट है उसमें रखती ही हूँ, क्योंकि डेली ये फ्लोर क्लीनिंग के काम में आता है, किचन काउंटर टॉप हुआ या फिर ग्लास भी क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद में आते हैं ये स्कॉच ब्राइट। इस तरह के स्क्रबर होते हैं जो कि आप जो जले हुए बर्तन होते हैं उससे क्लीन कर सकते हैं, जैसे कढ़ाई होती है, कुकर होते हैं, बहुत बारी वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं या कम जल जाते हैं, आप स्टेन साफ करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। इसके बाद में एक और ये आता है ब्लू कलर का स्क्रबर, इससे मैं टाइल्स साफ़ करती हूँ, किचन की टाइल्स हैं या मतलब बाथरूम की टाइल्स वगैरह भी हैं, तो ये हार्ड भी होता है, साथ ही साथ इससे स्टेन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, जैसे हार्ड वाटर स्टेन हैं या फिर किचन की टाइल या बाथरूम की टाइल जो होती हैं उसमें अलग स्टेन से पड़ जाते हैं तो वो इससे क्लीन हो जाते हैं, तो इसको भी यूज़ करती हूँ। ये फ़िलहाल किचन के लिए रखा था, ये किचन के ही प्रोडक्ट है। और इसके बाद में आता है ये ग्लास क्लीनर कॉलिन, ये तो हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा।
तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और एक रखी है मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में स्प्रे बॉटल, जो कि जैसे कई बारी चीज़ें रखने के काम में आती है, तो ये मैंने हमेशा अपनी क्लीनिंग बास्केट में एक रखती ज़रूर हूँ, तो बहुत काम में आती है। जैसे हैंड वॉश भर लिया है इसके अंदर, या फिर क्लीनिंग का कुछ भी स्प्रे रख दिया है, तो स्प्रे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में आती है इसके बारी नेपथलिन बॉल्स की। तो नेपथलिन बॉल्स में कपड़ों में रखने के अलावा, जैसे सिंक एरिया है और किचन का सिंक है, बाथरूम के वॉशबेसिन होते हैं, या फिर जो टॉयलेट का टैंक होता है, वाटर टैंक जो होता है ना, उसके अंदर भी डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, आपका जो बाथरूम है, किचन है या सिंक है, वो हल्का हल्का सा महकता रहता है, और अननेसेसरी जो इंसेक्ट्स होते हैं, चीटी है, कॉकरोच है, वो इतने नहीं आते, और मतलब बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर भी हल्की हल्की खुशबू सी बनी रहती है। और सच बताऊँ तो मुझे इसकी खुशबू काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं लगा करके रखती हूँ। इसके बाद में मैं बात करूंगी कि बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है जॉफ का, ये टैप क्लीनर है। तो जैसे हमारे किचन के या बाथरूम के टैप्स के ऊपर निशान पड़ जाते हैं ना हार्ड वाटर के, तो ये बहुत अच्छा है। मेरा तो ख़त्म नहीं होने पाता, मैं एक्स्ट्रा में मंगा करके रखती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट लगते हैं इसके, तो ये मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इसके बाद में एक प्रोडक्ट है ये, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, जैसे चिमनी वगैरह को क्लीन करने की। लेकिन चिमनी वगैरह को क्लीन करने के लिए तो इसमें बहुत सारा ये लग जाता है केमिकल, और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इससे जब भी मैं यूज़ करती हूँ मुझे चक्कर से आने लगते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आया, हालांकि चिमनी क्लीनिंग करने के लिए मैंने बहुत सारे जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं वो ही अपनाती हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कारगर भी होते हैं। इसके अलावा एक ये आया धारा का, धारा आता है ये लिक्विड प्रोडक्ट है, और इससे हम जैसे ब्रास की चीज़ें होती हैं या बर्तन होते हैं तो उसको हम क्लीन करते हैं। इसके अलावा पीताम्बरी पाउडर भी आता है, वो मेरे पास इस टाइम है नहीं। बाय द वे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ लेकिन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिलहाल में जो भी प्रोडक्ट हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है, ग्लास भी क्लीन हो जाता है। अगर आपके ग्लास के ऊपर कोई स्टेन है, प्लास्टिक के ऊपर स्टेन लगे हुए हैं, तो इससे इजीली क्लीन हो जाते हैं। और इसके बाद में एक प्रोडक्ट है ये रॉफ का, ये टाइल क्लीनर है। इससे मैं बाथरूम की टाइल्स क्लीन करती हूँ। ये नया पैकेट है, नया बॉटल है, तो इसीलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो टाइल्स के ऊपर इसके इसको लगाया जाता है और इजीली टाइल्स क्लीन हो जाती है। लगा करके थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है और फिर उसको पानी से वॉश करना पड़ता है, तो क्लीन हो जाती है। लेकिन इसकी जो ख़राब चीज़ लगी मुझे वो ये कि अगर ये आपके मार्बल फ्लोर पर गिर जाता है तो मार्बल फ्लोर की जो स्मूदनेस होती है या फिर जो शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसको बस मार्बल फ्लोर पर नहीं लगाना। इसके बाद में आ गया डेटॉल का ये सरफेस डिसइंफेक्टेड। तो जैसे आजकल का पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को हमें डिसइंफेक्ट करना होता है, तो इस जगह इससे मैं स्प्रे करती हूँ तो अच्छा है। ये एक बॉटल मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो अभी ये नई मेरे पास रखी हुई थी, अभी इसको यूज़ नहीं किया है। और जैसे वेजिटेबल वगैरह वॉश करनी होती हैं तो उसके लिए मैं हमेशा ही नीम वॉश का यूज़ करती हूँ। आपके साथ मैं पहले भी यूज़ करके दिखा भी चुकी हूँ, शेयर भी कर चुकी हूँ, तो ये बहुत अच्छा रहता है वेजिटेबल वगैरह को साफ़ करने के लिए। पानी के अंदर, बकेट के अंदर पानी भर के इसके अंदर एक ढक्कन डाल दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। और उसके बाद में पानी से धो करके और छाया में सब्जियों को थोड़ी देर रख देते हैं तो पोंछ करके, तो उससे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं, इस ऐसा इसके ऊपर कहना है। इसके अलावा ये बास्केट भी दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मेरी मेटल की बास्केट है जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। और आपको मैं बताऊँ, इससे पहले मैंने ना 3-4 बास्केट्स बना रखी थी, 2 बास्केट थी मेरी, क्योंकि एक तो स्पेस इतना नहीं है कि मैं बहुत ढेर सारी बास्केट्स वगैरह रख सकूँ या बकेट रख सकूँ, लेकिन क्या था कि, और फिर ये भी होता है जैसे ये बहुत सारा सामान इसके अंदर रखती हूँ तो हैवी हो जाता है, तो मेरी 2 बास्केट टूट चुकी हैं, इसीलिए मैंने फाइनली ये मेटल की बास्केट ली है। ये मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ में आ जाती है, जैसे ये भी रख लो आप, इसमें वेजिटेबल वगैरह ला करके रख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में मैं ले लेती हूँ, तो इनको कभी कभी
निकाल करके दूसरी बास्केट बना देती हूँ। लेकिन ये काफ़ी भारी है, तो स्टर्डी है, ये मजबूत है, तो इसमें इतना जितना मर्जी सामान रख दो ये बिल्कुल भी टूटने वाली नहीं है। तो ये देखिए सारा सामान मेरा इस तरीके से एक ही बास्केट में आ जाता है, और एक बास्केट है तो इसको कहीं भी कॉर्नर पर रख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये तो सारा रही मेरी बास्केट, और एक बास्केट जो मैं रखती हूँ इस डाइनिंग टेबल के ऊपर, ये है सैनिटाइज़र। तो सैनिटाइज़र ये वाला सेवलॉन का सैनिटाइज़र है, इससे आप कोई भी सरफेस को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल मैं हैंडल वगैरह होते हैं घर के, दरवाजे हैंडल, जहां जहां पर हम टच करते हैं, स्विच बोर्ड वगैरह जो, तो उससे क्लीन करती हूं। और ये है एक DIY ऑर्गेनाइजर जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसके ऊपर क्लीनिंग का बता देती हूं, कई फ्रेंड पूछते हैं कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा पेपर लगाया हुआ है, तो जब ये गंदा हो जाता है मैं इसको चेंज कर देती हूं। तो ये रहा मेरा सारा सामान, और इस तरीके से मैं आज आपके साथ में सारे क्लीनिंग टूल्स भी शेयर कर दिए मैंने। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सभी के लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।